दोस्तों नथिंग फोन 2022 का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फोन था और उसका सक्सेसर आ गया है। हमारे पास दोनों है दोस्तों, व्हाइट एंड ग्रे ऑफ नथिंग फोन 2। ये उतना ही एक्साइटिंग होने वाला है क्या इन 2023? देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं और ये वीडियो जो है वो भी थोड़ा अलग होने वाला है। इसका हम टेयर डाउन भी करने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू ओपन इट इनसाइड आउट, देखने वाले हैं इस फोन के पास। वैसे दोस्तों ये जो बॉक्स है ये अभी खुले हुए हैं, क्योंकि एक बार हम खोलते हैं तो बंद नहीं कर सकते उसे, लेकिन इनका हमने अनबॉक्सिंग किया था जैसे ही ये पैकेजेस अराइव हुए थे। एंड आई टेल यू, अनबॉक्सिंग का जो एक्सपीरियंस है दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन अगर बॉक्स के बारे में बात करूं दोस्तों, एब्सोल्युटली फ्लैट एंड स्क्वायरिश बड़ा बॉक्स है, पतला है देखिए, अनलाइक एनी अदर बॉक्स जो हम खोलते हैं। बट या, वन इज ग्रे एंड वन इज व्हाइट। वैसे पिछले साल दोस्तों नथिंग फोन 1 में ब्लैक एंड व्हाइट आया था, अब ये व्हाइट एंड ग्रे है। ऑलराइट, लेट्स ओपन। अलग ही है दोस्तों, जस्ट लुक एट दिस। सबसे पहले डिजाइन बाय नथिंग, देन डॉक्यूमेंटेशन नथिंग। Ooh, look at this. जी हाँ, सिम कार्ड टूल है ये भी अलग है। एक चीज तो है दोस्तों, यू हैव टू गिव इट टू नथिंग कि कुछ अलग ट्राई करते हैं ये, डेफिनेटली एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। दोनों भी फोन निकाल के रखते हैं वैसे दोस्तों, लेट्स कीप दिस असाइड, ये भी फोन निकाल के रखते हैं। ऑलराइट, डॉक्यूमेंटेशन, जी हाँ, छोटा सा स्क्वायर डॉक्यूमेंटेशन है। ऑलराइट, इवन टाइप सी टू टाइप सी जो केबल है दोस्तों आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। जी हाँ, Look at this. Excellent. Okay, यही है दोस्तों बॉक्स के अंदर। वैसे दोस्तों हाथ में लेता हूं तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। वैसे नथिंग फोन 1 भी है हमारे पास, so I'm going to keep that also. तो हमें पता चलेगा differences क्या क्या है। All right. Okay. स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। ओहो, वैसे दिखने को सेम है, अगर मैं साइज के बारे में बात करूं तो यू नो स्लाइटली बिगर, ये देखिए थोड़ा बड़ा है, विड्थ में भी स्लाइटली बड़ा है दोस्तों। और दोस्तों एक बात कहूं, जो लीक्स आए हुए थे कि राउंडेड कॉर्नर्स हैं, राउंडेड कॉर्नर्स नहीं है, फ्लैट ही है, बट इधर जो पीछे का ग्लास है दैट इज कर्व्ड ग्लास। ग्लिफ लाइटिंग में भी थोड़ा चेंज आया हुआ है, अगर आप देखते हो तो ये पूरा एक ग्लिफ था, बट ये नाउ यू हैव 1, 2, 3, 4, 5, तो उसे ब्रेकअप किया है, 6 नीचे के सेम ही है, ऊपर भी सेम है। कैमरा मॉड्यूल का भी एक सिंगल था लास्ट ईयर, लेकिन इस टाइम एक एंड दो अलग अलग है, तो टोटल 11 ग्लिफ लाइट्स है, वेयर इज नथिंग फोन 1 में 5 थे। देखते हैं क्या डिफरेंस होने वाला है उससे। लेकिन ग्रे से ज्यादा मुझे व्हाइट जो है ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है दोस्तों। जी हाँ, व्हाइट अलग ही लुक देता है। वैसे दोस्तों एक बात कहूं आपसे, बॉक्स के अंदर केस नहीं आती है, एंड गिवन दैट इट इज ग्लास बैक, आपको केस खरीदनी होगी, वो भी क्लियर केस खरीदिए, बिकॉज नहीं तो ग्लिफ लाइटिंग का पूरा मजा चला जाए। सबसे पहले इन हैंड फील के बारे में बात करते हैं। ये फोन जो है दोस्तों ये बड़ा लगता है हाथ में, यस इट फील्स बिग, इट इज बॉक्सी। और दोस्तों अगर वेट के बारे में बात करूं, इट लुक्स, इट फील्स हैवी, 208-207 grams, देखते हैं, आई डोंट नो, आई कैन बी रॉन्ग, लेट्स सी। 203.2 grams, ओके, हाथ में, लेकिन इट फील स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, इतना मैं जरूर कहूंगा। हाँ, 200 ग्राम के ऊपर ही है, बट मुझे लग रहा था क्लोजर टू 207-208 grams, बट नहीं, 203-204 grams है। अगर पोर्ट्स, हाँ गिराने वाला हूं मैं, वेट फॉर दैट दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे भी डर लग रहा है अभी। बट पोर्ट्स एंड बटन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे आता है, माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड पे आपको ऑन ऑफ बटन मिलता है, एंड बिकॉज ये जो मेटल फ्रेम है तो आपको ये जो एंटेना लाइंस है वो भी दिखते हैं। ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव गॉट वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन। ऑलराइट, वक्त होता है गिराने का। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैं ग्रे वाला गिराने वाला हूं, नॉट द व्हाइट वन, बट आई एम श्योर नथिंग इज गोइंग टू हैपन। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, सो लेट्स सी। 1, 2 एंड 3। ओह, ग्लिफ लाइट ने भी बताया कि हां गिराया आपने फोन को। ऑलराइट, पीछे से गिराते हैं। 1, 2, नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ नहीं हुआ है फोन को, नथिंग को, नथिंग हुआ है नथिंग फोन 2 को, नथिंग हुआ है दोस्तों। सो वेरी वेल बिल्ट डेफिनेटली। वैसे दोस्तों गिराने के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसे टेयर डाउन किया हुआ है लिटरली, वेट फॉर दैट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वो। वैसे दोस्तों अगर डिस्प्ले के साइज के बारे में बात करूं, जी हाँ, ये है नथिंग फोन 1, दिस इज फोन 2, और इसका साइज बड़ा हो गया है। नथिंग फोन 1 में 6.5 इंच का था, नथिंग फोन 2 में आपको 6.7 इंच का मिलता है। रेजोल्यूशन के मामले में FHD है, 120 हर्ट्ज है, बट LTPO डिस्प्ले आता है, इसका मतलब इट इज डायनामिक, रिफ्रेश रेट जो है वो डायनामिक है, फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज, और हमने टेस्ट किया, इट वर्क्स। ब्राइटनेस भी बढ़ गया, जी हाँ, पीक ब्राइटनेस जो है 1600 निट्स हो गई है, और रेगुलर ब्राइटनेस जो है दैट इज 1000 निट्स, एंड डेफिनेटली मच बेटर देन नथिंग फोन 1। यस, दिस इज अ 10 बिट पैनल, एंड
एचडीआर 10 प्लस का भी सपोर्ट है। चलिए दोस्तों स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। देयर इज अ बिग जंप इन स्पेसिफिकेशंस। यस 8 प्लस जेन पिछले 3 महीने से बात कर रहे हैं, वही प्रोसेसर है एंड वेल ऑप्टिमाइज्ड है दोस्तों फॉर द ओएस। और ओएस के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं, बट इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। 8128 बेस वेरिएंट है, 12256 है एंड देन 12512। प्राइस के बारे में बात करूं दोस्तों, इट स्टार्ट्स नाउ फ्रॉम 45,000। उधर भी बहुत मेजर अपग्रेड है इन द प्राइसिंग। सोचिए जब नथिंग फोन 1 लॉन्च हुआ था, ये कुछ 32-33 में लॉन्च हुआ था दोस्तों 778G प्रोसेसर के साथ में, अब 45,000 हो गया है। लेट्स सी उतना जो उन्होंने प्रीमियम मांगा हुआ है देते हैं या नहीं। दोस्तों बैटरी के बारे में बात करूं, स्लाइट अपग्रेड है उधर, 4700 mAh की बैटरी है, 45 वॉट का चार्जिंग है, लेकिन अडैप्टर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता, इतना पतला बॉक्स है दोस्तों, नो अडैप्टर देयर एंड 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी आता है, अडैप्टर आपको सेपरेटली खरीदना होगा। ओएस के बारे में बहुत सारी चीजें कहनी है। एक तो चीज डेफिनेट है दोस्तों कि बहुत उनके जो नथिंग के इंजीनियर है उन्होंने बहुत काम किया इस ओएस के ऊपर एंड बहुत सारी चीजें लेके आए हैं, अलग अलग छोटे छोटे फीचर्स हैं जो दूसरे फोन्स में आपको नहीं मिलते हैं। एक तो अगर होम स्क्रीन के पास ही देखोगे, ऑलरेडी आप देख रहे हो बहुत सारे विजेट्स हैं एंड दैट टू इट इज गॉट दैट ब्लैक एंड व्हाइट आइकन पैक, जिसकी वजह से वो अलग ही दिखता है। नथिंग का कहना है कि जो कलर्ड आइकन्स वगैरह होते हैं उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, बट ऐसे कुछ नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं, आपको क्या लगता है जरूर बताइए, बट इट लुक्स डिफरेंट एंड इट लुक्स कूल, ये मैं डेफिनेटली आपसे कहूंगा, अच्छा लगता है। बट हां दोस्तों, जब आप थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल करोगे तो बहुत सारे एप्स सपोर्टेड नहीं है वो ब्लैक एंड व्हाइट आइकन पैक में। ये देखिए फॉर एग्जांपल BGMI वगैरह है, इवन Netflix का लाल दिखता है। सो ये लुक एट दैट, सो या दैट्स इट। ऐसी छोटी छोटी चीजों के पास बहुत ध्यान दिया है। फॉर एग्जांपल ये जो फोल्डर है, ये देखिए, इसको आपको कस्टमाइज करना है, आप कर पाओगे एंड यू कैन हैव डिफरेंट लुक एंड फील टू ईच फोल्डर। सो अच्छा किया है, मेरे हिसाब से बहुत काम किया हुआ है एंड इट इज नाइस एंड लुक्स डिफरेंट। अब दोस्तों बात करते हैं ग्लिफ के बारे में। लास्ट ईयर मैंने बताया था कि 10-15 दिन आप इस्तेमाल करोगे एंड यू विल गेट यूज्ड टू इट, इतना कुछ ज्यादा नया लगेगा नहीं, एंड विद दिस इट इज द सेम। लेकिन बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स आ गए हैं अब एंड दे आर वेरी वेरी नाइस। एक तो नंबर ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, 11 हो गए हैं अब, तो रिंगटोन्स आप अब कंपोज कर पाओगे खुद के एंड दैट इज वेरी एडिक्टिव। जी हाँ, ये देखिए इधर कंपोजर है, तो अगर आपको करना है तो आप रिकॉर्ड कीजिए, यू कैन मेक योर ओन रिंगटोन। ये देखिए एंड देन यू कैन सेव इट एंड नाम दीजिए एंड एक्चुअली दिस विल प्ले। जी हाँ, ये देखिए माय गॉड, साजिद ने कुछ आधा एक घंटा दोस्तों इस वीडियो के पहले स्पेंड किया जस्ट टू शो अस कि इतना अच्छा कंपोज करते हैं ये रिंगटोन्स। ओ, म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो, आई डिडंट नो दैट। जी हां, यू कैन एक्चुअली ऐड म्यूजिक। ये देखिए एंड नाउ रिकॉर्ड करते हैं। मैं भी कंपोजर हो गया हूं, जैसे मैंने बताया दोस्तों इट्स वेरी वेरी एडिक्टिव। और एक इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, ये देख रहे हो आप अभी, ये जो है ये फोन एज अ प्राइमरी ड्राइवर ऐसा इस्तेमाल कर रहा है, तो किसी ऐप से अगर आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है और आपको वो इंपॉर्टेंट ऐप है, वो नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन असाइन दिस पर्टिकुलर ग्लिफ लाइट। इसका मतलब जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं देखोगे दिस ग्लिफ लाइट विल बी ऑन। ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इनके पास ध्यान दिया हुआ है एंड आई थिंक दे आर यूजफुल एज वेल। अब दोस्तों जब आप जोमेटो से वगैरह ऑर्डर करते हो तो लिटरली जब फोन ऐसे है तो ये प्रोग्रेस बार जैसे काम करता है, तो आपको दिखेगा कि आपकी ऑर्डर कहां पे आई हुई है। वैसे ही दोस्तों चार्जिंग के समय भी जब चार्ज हो रहा है आप हिलाओगे तो नीचे आपको एग्जैक्टली प्रोग्रेस दिखेगा, कितना परसेंटेज बैटरी चार्ज हुई है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, वॉल्यूम देखिए मैं कम ज्यादा कर रहा हूं अभी एंड इधर एग्जैक्टली आपको ये जो ग्लिफ लाइट है वो इंडिकेट करेगा कि कितना कम ज्यादा है। सो नीचे रख के ही आपको पता चल जाएगा। बट आई टेल यू व्हाट, इसमें बग है दोस्तों, वो ठीक तरह से काम नहीं करता है, कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता है, अभी कर रहा है, अभी थोड़ी देर पहले नहीं कर रहा था। सो देयर आर सम बग्स। और एक चीज है, ओके गूगल, ये देखो सुन रहा है लिटरली। ओके गूगल को आप इन्वोक कर पाओगे, यस असिस्टेंट को, यस एंड इट्स लिसनिंग टू मी राइट नाउ, लुक एट दैट। मुझे वेब से यह परिणाम मिला। वैसे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों टेयर डाउन जरूर देखिएगा। जी हाँ, पूरा खोल दिया इसको।
वैसे मैं ईस्टर एग एक बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, वेट फॉर दैट। चलिए परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं एंड आई टेल यू व्हाट, परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। मतलब 8 प्लस जेन 1 इज ऑब्वियसली अ वेरी केपेबल प्रोसेसर। अगर मैं अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 1.1 मिलियन आता है पुराने अंतुतु पे, 1.3 मिलियन आता है जो लेटेस्ट वेरियंट है अंतुतु का। ओवरऑल जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, बहुत स्मूथ लगता है दोस्तों, बहुत ही फ्लूइड लगता है। जी हाँ, एंड ऑब्वियसली जो भी छोटी छोटी चीजें की हुई है रेगुलर यूज के लिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। इवन आप गेमिंग वगैरह करोगे हाईएस्ट सेटिंग पे, मजा आएगा आपको खेलने को। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा कि इसके जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, दे आर नॉट ऑल दैट ग्रेट, एवरेज क्वालिटी कहूंगा, बट डिस्प्ले इज वेरी गुड, तो मल्टीमीडिया में मजा आएगा, बट ऑडियो कुड हैव बीन बेटर। और याद रखिए दोस्तों, 3.5 mm जैक नहीं है। और हाँ, गेमिंग में दोस्तों वाओ, हाईएस्ट सेटिंग मतलब लिटरली 4K गेमिंग आप कर पाओगे BGMI में एट 40 FPS, मतलब 4K अल्ट्रा एंड HDR एक्सट्रीम पे आप 60 FPS गेमिंग कर पाओगे, एंड बहुत ही मजा आया हमें खेलने में। सो वेरी वेरी स्मूथ परफॉर्मेंस, एक्सेलेंट। इवन थर्मल्स के बारे में बात करूं तो लॉन्गर सेशंस खेले फिर भी ज्यादा गर्म वगैरह नहीं हुआ, थर्मल्स आर आल्सो क्वाइट डीसेंट। एक चीज लेकिन मैंने नोटिस की दोस्तों, ये जो है फ्लेक्स है, आप अगर ये दबाओगे पीछे की तरफ, स्लाइट फ्लेक्स है, आई डोंट नो हाउ मच इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, बट आई थॉट आई शुड टेल यू। अब दोस्तों परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, बट कैमरा में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ इतनी अच्छी नहीं है। जी हाँ, आई विल से यू नो, फॉर मी इट इज अ मिक्स्ड बैग। टेलीफोटो होना चाहिए था, मैं 45,000 रुपए दे रहा हूं दोस्तों। इट इज द सेम सेटअप जो लास्ट ईयर था, 50 MP प्राइमरी सेंसर एंड 50 MP अल्ट्रा वाइड डुअल सेंसर है। टेलीफोटो होना चाहिए। प्राइमरी सेंसर जो है वो अपडेट हो गया है, सोनी का IMX890 सेंसर आया हुआ है, जो आजकल सभी 40-50 हज़ार के जो फोन्स हैं सब में वही सेंसर दिखता है। सो फोटोज हैव इंप्रूव्ड डेफिनेटली। नॉर्मल कंडीशंस में आप फोटो निकालोगे तो स्किन टोन्स वगैरह जो है बहुत अच्छे आते हैं, शार्पनेस, कलर्स वेरी गुड। आई कांट से द सेम अबाउट लो लाइट। लो लाइट में जी हाँ, ठीक ठाक ही फोटोज कहूंगा, इतने ज्यादा ब्राइट फोटोज नहीं आते, तो लो लाइट परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। याद रखिए दोस्तों, दीज आर माय इनिशियल इंप्रेशन, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जो सेल्फी सेंसर है उधर अच्छा अपडेट आया, पहले 16 MP का था नथिंग फोन 1 में, अब 32 MP का आया हुआ है एंड इट इज गुड। जी हाँ, जब आप सेल्फी वगैरह लेते हो, जैसे मैं बताया, स्किन टोन्स आर टू द पॉइंट, कलर्स आर नेचुरल, सो दैट वे एक्सीलेंट कैमरा स्पेशली सेल्फी। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो दोनों ही सेंसर जो है दोस्तों, बोथ सपोर्ट 4K 60 FPS वीडियोग्राफी, सो दैट इज गुड। लेकिन जी हाँ, सेल्फी में 1080p है, उधर 4K होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू गो द एप्पल वे, तो उतना तो करना चाहिए था। वैसे 4K 30 HDR वीडियोस भी आप निकाल पाओगे, सो दैट इज देयर। और एक नया मोड ऐड हुआ है, एक्शन मोड। अगर स्लो मोशन के बारे में बात करूं तो 120 FPS आप 4K पे निकाल पाओगे एंड फुल HD अगर आपको निकालना है तो 480 FPS आपको मिलता है। वैसे जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये रेड लाइट जो दिख रहा है, इट लुक्स वेरी नाइस, सो यू नो आगे वाले को पता चलता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। वैसे दोस्तों, ये जो ग्लिफ लाइट्स है ना, सीरियसली ब्राइट है। पोर्ट्रेट्स वगैरह जब आप निकाल रहे हो तो यू कैन यूज दिस लाइट, तो ग्लिफ लाइटिंग एज अ यू नो इल्यूमिनेटिंग थिंग आप यूज कर पाओगे, सो दैट इज ऑल्सो नाइस। चलिए बाकी ये चीजों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो 5G ऑब्वियसली है दोस्तों, 8 प्लस जेन 1 है, सभी बैंड्स का सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है। वैसे सिम कार्ड ट्रे हमने टेस्ट नहीं किया, लेट मी चेक। ऑलराइट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ एसडी कार्ड स्लॉट, तो वो नहीं है, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। जी हां, वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC का सपोर्ट है। वैसे और एक चीज दोस्तों, इसमें 2 नहीं 3 माइक्रोफोन्स आते हैं, पीछे की तरफ भी है, तो जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। सेंसर्स सभी आते हैं दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक। ऑलराइट, बाकी की चीजों के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले पे आप जैसे देख रहे हो दोस्तों, AOD में भी आपको विजेट्स मिलते हैं, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, फुल HD स्ट्रीमिंग कर पाओगे। लेकिन याद रखिए, नेटफ्लिक्स में अभी आपको HDR नहीं मिल रहा है, इट इज गोइंग टू कम आफ्टर सम टाइम। एक इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, जब हम फोन सेटअप कर रहे थे, जी हाँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए लिखा हुआ है, इंसर्ट अ वैलिड इंडिया सिम कार्ड, और जब तक आप सिम कार्ड नहीं डालते हो तब तक वो आगे नहीं जाता है, आप सेटअप नहीं कर पाओगे। सो बहुत बार हम फोन सेटअप करते हैं विदाउट द सिम कार्ड, पूरा हमें टेस्ट करना होता है इसलिए, बट वी कुड नॉट डू इट, हमें सिम कार्ड डालना पड़ा, वो भी वैलिड, और वो ऑथेंटिकेट करता है सिम को, एंड देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड। ये मैंने देखा नहीं है किसी भी फोन में, सो सोचा आपको बता दूं। ऑलराइट, इतनी सारी बात करने के बाद क्या मैं इसे रिकमेंड करता हूं? यू नो, आई एम नॉट श्योर, टू सम पीपल आई विल रिकमेंड, स्पेशली आप टेकी वगैरह हो तो डेफिनेटली मैं इसे रिकमेंड करूंगा, बट टू बी ऑनेस्ट, दिस फोन इज नॉट फॉर मासेस। और वो भी अब 45,000 का होने की वजह से, 45,000 8128 वेरियंट से स्टार्ट होता है, 45, 50 and 55, उस हिसाब से अगेन जो यू नो जो ऑडियंस है वो और भी छोटा हो गया है मेरे हिसाब से। एंड अगर मैं 45,000 दे रहा हूँ, याद रखिए 8 प्लस जेन 1 के फोन लिटरली 32,000-33,000 से आपको मिलते हैं। सो इतनी सारी जो चीजें दी हुई है, डज इट जस्टिफाई द प्राइस टैग? टू
सम इट माइट, मुझे लगता है ये 40,000 के नीचे होना चाहिए था. दैट इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन. अराउंड 40,000 और मैं आंखें बंद करके आपको रिकमेंड कर सकता था बिकॉज इट इज ऑफरिंग सो मच. एक ही चीज, वो जो टेलीफोटो कैमरा होता दोस्तों, देन 45 वुड हैव रियली लुक्ड गुड. बट अभी कहूंगा कि 40 तक होना चाहिए था. दैट्स व्हाट माय ऑनेस्ट फीडबैक इज. आपको क्या लगता है नथिंग फोन 2 के बारे में, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. इफ यू हैव एनीथिंग एल्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए. वैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि ईस्टर एग बताने वाला हूं. एक कॉन्टैक्ट अलकाजाम नाम से सेव कीजिए और म्यूजिक विजुअलाइजेशन चालू हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब मैं मेरा गाना लगा रहा हूं. If you are buying nothing phone, ये जरूर कीजिएगा, मजा आता है. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe.